सो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने टीवी में एक बेस्ट डिस्प्ले सेटिंग्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सेटअप बॉक्स के बारे में बताऊंगा लास्ट में। सो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं लाते रहता हूँ, ठीक है गाइस। सो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है गाइस। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, आपको अच्छी लगती है। इस सेटिंग्स को अप्लाई करने के सिंपली सेटिंग्स में जाना है, एंड देन डिवाइस प्रेफरेंसेस, एंड देन इसमें डिवाइस प्रेफरेंसेस में जैसे जाओगे आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलेंगी। इसमें एक सेटिंग्स मिलेगा आपको पिक्चर का, देन पिक्चर में आपको सिंपली ओके करना है, एंड देन आपको पिक्चर मोड पे पहले सिंपली आना है, देन लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम का, वैसे सिंपली आपको कस्टम पे क्लिक करोगे देन आपको बहुत सारे जो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन और इस बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। सिंपली आपको ब्राइटनेस को 35 पे लाना है, जैसे कि देख सकते हो मैं 35 पे ला रहा हूँ, एंड देन कंट्रास्ट को आपको 50 पे रखना है, 50 मिलेगा, इसे भी आपको इसको करना है आपको 65। और सेटअप बॉक्स के लिए जो अपने सेटअप बॉक्स कनेक्शन है उसके लिए भी बताऊंगा गाइस लास्ट में, उसे कैसे अप्लाई करना है, ये तो आपके यूट्यूब जितने भी आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करोगे जो भी आप देखोगे उसके लिए, ठीक है। और सेचुरेशन को आपको 70 कर देना है, एंड देन शार्पनेस और इसे जो ह्यू है इसे सेम रखना है, ठीक है। और कलर टेम्परेचर को आपको कूल कर देना है, एंड डी एन आर को हाई रखना है, ठीक है गाइज। एंड देन बैक लाइट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी टीवी के लिए, सो आपको इसके 30 जितना कम रख सकते हो रख लेना, क्योंकि इससे आपकी टीवी की लाइफ भी इंक्रीज होती है अगर जितना कम से कम रखोगे, ठीक है गाइज। सो मैं 30 रख रहा हूँ। और डायनेमिक बैक लाइट सिंपली आपको उसे ऑफ मिलेगा, सिंपली आपको उसे ऑन कर लेना है। अब गाइज ये आपके लिए बेस्ट सेटिंग्स है। सो गाइज चलिए अब हम अप्लाई करते हैं अपने सेटअप बॉक्स पे, तो चलिए गाइज हम सेटअप बॉक्स पे चलते हैं। सो अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा है और आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, लाइक कर दीजिए अभी तक वीडियो को। सो चलिए मैं लाइव टीवी में जाके अपने सेटअप बॉक्स पे भी अप्लाई करता हूँ उसे सेम सेटिंग्स को। सो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों मैं अपनी लाइव टीवी पे आ गया हूँ, एंड देन सिंपली आपको ओके बटन प्रेस करना है, इसके बाद देन आपको पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पे, सिंपली पिक्चर पे जाना है, एंड देन पिक्चर मोड पे सिंपली वही सेटिंग्स कर लेना, कस्टम में जाना है, एंड देन बहुत सारे जो ऑप्शन देखेंगे सिंपली ब्राइटनेस को 35 कर लेना है जैसे मैं करता हूँ अभी, एंड आपको कॉन्ट्रास्ट को 65 कर लेना है, 65, एंड आपको जो सेचुरेशन होगी उसे भी 70 कर लेना है, 69 भी रख सकते होगा, जो नीचे जो भी होगा सेम रखना है, ठीक है। और कलर टेम्परेचर को कूल कर देना है, एक्सपेक्ट ऐसे डी एन आर को आपको हाई रख लेना है, ठीक है। मीडियम मिलेगा वैसे एज ए डिफ़ॉल्ट, सिंपली आपको इसे हाई कर लेना है। और बैक लाइट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे आपकी टीवी की लाइफ इंक्रीज होती है जैसे मैंने पहले बताया। सो आप इसे कम भी रख सकते हो, मैं इसे 30 रखूँगा, ठीक है। मतलब जो बता रहा हूँ गाइस जिसके बीच में आप रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे 65 में 70 बताया 69 भी कर सकते हो, और डायनेमिक बैकलाइट का भी आपको ऑन कर लेना है। सो गाइस आप इफेक्ट देख सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियो लाता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।